बच्चों, आज हम बूंदे कविता पढ़ते हैं। इस कविता के कवि हैं रोहिताश्व अस्थाना। कविता का परिचय देखते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदे ही बादल बनकर बरसती हैं। यह बूंदे बड़े बड़े काम करती है। इनसे ही खेत, बाग, मैदान हरे भरे बनते हैं। ये बूंदे ही हम सबको जीवन देती हैं। पहले हम कविता पढ़ते हैं और उसके बाद कविता का अर्थ समझ लेते हैं। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। बरसात की बूंदे आसमान से धरती पर रिमझिम रिमझिम करती हुई आती है। आकाश से धरती पर यह रिमझिम रिमझिम करते हुए आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, यह बरसात की बूंदे जब धरती पर आती है तब खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। इसे सब जगह हरे भरे बनते हैं। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, बरसात की बूंदे धरती पर गिरकर नालों नदियों में बहती हैं। वहां से बहती बहती वे सागर से मिल जाती हैं। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, शीतलता यानी ठंडक। गर्मी से लोग परेशान होते हैं। गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को यह बूंदे ठंडक देकर आराम पहुंचाती हैं। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, बरसात की बूंदे मेंढक मोर पपीहा कोयल सबके मन को प्रसन्न करती हैं। यह सब बारिश का इंतजार करते हैं और जब बारिश धरती पर आती है तो यह सब प्रसन्न हो जाते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, पुरवाई यानी पूर्व की ओर से बहने वाली हवा, इठलाना नखरा करना या झूमना, मुस्काती यानी हंसती हुई। पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से झूमती और मुस्काती हुई धरती पर आती है। कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बूंदों का वर्णन किया है। यह बूंदे रिमझिम रिमझिम करते हुए गाती है। वह खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है। बूंदे गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता पहुंचाती हैं। वे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती हुई धरती पर आती हैं।